लोगों के सामने यदि मैं यहाँ पर बात करूं एनर्जेटिक्स ऑफ क्रैब साइकिल, यदि मैं क्रैब साइकिल की एनर्जेटिक्स की बात करूं तो देखिए एक जो क्रैब साइकिल है, इस एक क्रैब साइकिल के अंदर कल हमने देखा था तीन तो NADH2 बनते हैं, 3 NADH2 प्लस 1 FADH2 प्लस 1 GTP, ये एक क्रैब साइकिल की टोटल एनर्जी है। अगर मैं इसमें देखूं यहां पर तो आई नो वेरी वेल एंड ऑल्सो यू नो वेरी वेल कि 1 NADH इक्वल टू 3 ATP एंड 1 FADH2 इक्वल टू 2 ATP। अब यदि मैं यहां पर कैलकुलेशन करूं तो मुझे साफ साफ नजर आता है कि यहां पर 3 NADH2 है, वैसे मैं 3D NADH2 भी कह सकता हूं और चाहूं तो मैं इसको यहां पर 3D NH भी कह सकता हूं। यहां पर इसको हम लोग सामान्य रूप से जब NADH2 लिखते हैं छोटी क्लासेज में बच्चों को बताते हैं, लेकिन इसको NADH प्लस HIN के फॉर्म में लिखना ज़्यादा ठीक रहता है। तो 3 NADH, तो 1 NADH इक्वल टू 3 ATP, तो 3 × 3 ATP प्लस 1 FADH2 में 2 ATP होते हैं तो 2 ATP प्लस 1 GTP जो है वो डायरेक्ट जो है वो 1 ATP के बराबर होता है। यहां पर हम लोगों ने देखा कि जब NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करता है तो वो 3 ATP बनाता है, FADH2 जब क्या नाम है ETS में एंटर करेगा तो वो 2 ATP बनाएगा। GTP को ETS में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 GTP जो है वो 1 ATP के बराबर होता है। और हम लोग सब जानते हैं कि चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो ATP के फॉर्म में स्टोर रहती है। तो यहां पर अगर आप लोग देखिए 1 GTP का मतलब हो गया 1 ATP। तो इस प्रकार से यहां पर क्रैब साइकिल में यदि हम लोग यहां पर टोटल अगर इसकी एनर्जी फाइंड आउट करें तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई 9 ATP प्लस यहां पर 2 ATP प्लस 1 ATP। और इस प्रकार से एक क्रैब साइकिल के अंदर यदि हम लोग देखें तो टोटल जो ATP बनते हैं वो कितने बनते हैं 12 ATP, यानी कि एक जो क्रैब साइकिल है तो एक क्रैब साइकिल के अंदर यहाँ पर 12 ATP का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर 3 NADH और आपका FADH2, ये ATP के इनडायरेक्ट सोर्स हैं, यानी कि इनसे इनडायरेक्टली ATP हमें मिलती है। अगर हमारे से कोई पूछे कि एक क्रैब साइकिल के अंदर इनडायरेक्ट कितने ATP बनते हैं तो यहां पर हम लोग बताएंगे इनडायरेक्ट जो ATP का नंबर होगा वो इनडायरेक्ट ATP का नंबर होगा 11, क्योंकि NADH और FADH2 से यहां पर 11 ATP बनेंगे। हम सब जानते हैं कि 3 NADH प्लस 1 FADH2 इक्वल टू 11 ATP, ये इनडायरेक्ट ATP है। सवाल परीक्षा में पूछा जाता है एक क्रैब साइकिल में डायरेक्ट कितने ATP बनते हैं, तो हम लोग बात करेंगे एक क्रैब साइकिल के अंदर डायरेक्ट अगर ATP की बात करें तो 1 GTP होगा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि डायरेक्ट अगर ATP की बात करें तो डायरेक्ट ATP जो है वो यहां पर होगा 1 ATP। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रैब साइकिल के अंदर डायरेक्ट ATP, तो एक क्रैब साइकिल के अंदर यदि हम लोग देखें कि भाई डायरेक्ट ATP जो है वो कितने बनते हैं, तब आपका आंसर होगा 1 ATP। और अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर इन डायरेक्ट अगर
एटीपी देखें तो इनडायरेक्ट एटीपी जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 11 एटीपी, और टोटल जो एटीपी यहां पर बनते हैं और वो टोटल एटीपी का नंबर होगा 12 एटीपी। ये चीज है कि हम लोग किस तरह से क्रैब्स साइकिल की एनर्जेटिक्स निकालते हैं। अब हम अगर देखें इसको, आगे चलते हैं। अब हमें पता है कि हम लोगों ने एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण किया है, तो मैं यदि यहां पर इस चीज को देखूं कि हमने यहां पर क्या किया साहब, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स लिया था, ये साहब आपका एक ग्लूकोज का अणु है, इस ग्लूकोज के अणु में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, और 6 कार्बन का हमने क्या लिया, एक मॉलिक्यूल। जब यहां पर ग्लाइकोलाइसिस होती है, जब यहां पर हम लोग क्या करवाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस करवाते हैं, जब यहां पर कौन सी क्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के कारण यहां पर पाइरूविक एसिड का निर्माण होता है। तो एक ग्लूकोज के अणु से 2 पाइरूविक एसिड बनते हैं, और प्रत्येक पाइरूविक एसिड के अणु में यहां पर 3-3 कार्बन होते हैं। फिर जब इस पाइरूविक एसिड का आगे, इस पाइरूविक एसिड का आगे जब यहां पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जब इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो यहां पर हम लोग बताएंगे कि साहब यहां पर यदि आप लोग देखें इसको, तो यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, यहां पर भी वही आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। अब यदि हम लोग यहां पर देखें, चूंकि यहां पर पाइरूविक एसिड से यदि हम लोग बात करें कि साहब जो पाइरूविक एसिड था उसका यहां पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, इस रिएक्शन को हम लोग लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन भी हमने कहा था। ये जो अभिक्रिया है वो ग्लाइकोलाइसिस को किससे, क्रैब साइकिल से जोड़ने का काम करती है। अब ये जो आगे अगर हम लोग देखें तो इस रिएक्शन को आप लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पर इसको गेटवे रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करें कि यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए जब ये क्रैब साइकिल में एंटर करेगा, जब यहां पर अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चलेगा यहां पर, और यहीं पर हम लोग बात करें तो यहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। भाई क्रैब साइकिल चलेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये दोनों कपल्ड रिएक्शन है। यहां पर ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलेगा, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्या होगा भाई, CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा, तो यहां पर हम लोग बता सकते हैं 3CO2 3H2O, और इसी तरह से 3CO2 प्लस 3H2O, और साथ में हम लोग बता सकते हैं कि यहां पर भी एनर्जी निकलेगी, और साथ में हम लोग बता सकते हैं कि यहां पर भी एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी, यहां पर भी एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी। अब हम लोग बात करें कि यहां पर अगर हम लोग देखें, जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो यहां पर हम लोग बताते हैं एक तो CLP और प्लस एक होता है SLP, चैन लेवल फॉस्फोराइलेशन, और एक आपका क्या चलेगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन चलेगा। हम लोग जानते हैं कि CLP में यहां पर क्या बनते हैं साहब, NADH बनते हैं, 2 NADH बनते हैं, और SLP के अंदर 4 ATP बनते हैं। तो अब हम लोग सपोज कीजिए अगर नॉर्मल वे में देखें तो CLP के अंदर यहां पर अगर मैं बात करूं कि भाई CLP जो है, CLP के अंदर यहां पर हमें मिले 6 ATP,
क्योंकि यहाँ पर CLP के अंदर 2 NADH बनते हैं, यहाँ पर कितने NADH बनते हैं, 2 NADH बनते हैं, तो उससे 6 ATP। और SLP के अंदर हमें डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कितने ATP मिलते हैं, 4 ATP मिलते हैं। कितने ATP मिलते हैं यहाँ पर आप लोग बताएंगे हमें, यहाँ पर कितने ATP बनते हैं, 4 ATP मिलते हैं। तो अगर अब आप लोग इसका ओवरऑल निकालें तो यहाँ पर हमें जो ATP मिले वो कितने ATP मिले, 10 ATP। और हम लोगों को सबको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में 10 ATP बनते हैं और यहाँ पर 2 ATP जो है वो खर्च हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर जो नेट जो प्रॉफिट मिलता है, अगर हम लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये नेट प्रॉफिट जो है वो हमें कितने ATP का मिला, 8 ATP का। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि CLP के अंदर 6 ATP के स्थान पर 4 ATP भी बनते हैं ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सटल के कारण, लेकिन मैं ये सब बातें सटल सिस्टम के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं एक जनरल मैकेनिज्म आप लोगों को यहाँ पर इसका एनर्जेटिक्स का बता रहा हूँ। तो जब पाइरूविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है तो 1 NADH का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर अगर आप लोग बात करें कि यहाँ पर क्या बनता है, 1 NADH बनता है, यहाँ पर भी 1 NADH बनता है, 1 NADH से यहाँ पर 3 ATP बनेंगे और यहाँ पर भी कितने ATP बनेंगे, 3 ATP बनेंगे। और जब क्रैब साइकिल चलती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एक क्रैब साइकिल के अंदर कितने ATP बनते हैं, 12 ATP बनते हैं। एक क्रैब साइकिल के अंदर मित्रों आप लोग बताएंगे कितने ATP बनते हैं, 12 ATP। अब आप लोगों से कोई क्वेश्चन करे और आप लोगों से कोई क्वेश्चन करे कि साहब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर टोटल ATP कितने बनते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि 3 और 12, यहाँ पर ये कितने ATP हो गए, 15 ATP, यानी 3 + 12 = 15 ATP, 3+ यहाँ पर भी जो है वो आपके कितने ATP हो गए, 15 ATP। और 15 और 15 30 और 30 और 10 कितने हो गए, 40। तो यहाँ पर टोटल जो ATP बनेंगे वो कितने बनेंगे, 40। लेकिन यहाँ पर यूज्ड ATP जो है, अगर हम लोग यूज्ड ATP देखें तो 2 ATP खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो कितने ATP का मिलता है साहब, 30 ATP का मिलता है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो नेट जो प्रॉफिट है वो कितने ATP का मिलेगा, 38 ATP का मिलता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए, मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैं अलग से आपको बताऊंगा कि ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सटल में क्या होता है, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पर एक और आपको इसका एनर्जेटिक्स का वो बता देता हूँ, तो थोड़ा सावधानी के साथ में उसको भी आप लोग समझ सकते हैं। अगर देखिए, अगर सपोज कीजिए ग्लिसरॉल ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बनने वाला NADH अगर ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सटल के माध्यम से यदि वो क्या नाम है अगर ETS में एंटर करता है तो CLP के अंदर केवल यहाँ पर 4 ATP प्राप्त होते हैं। अगर ये 4 ATP बनेंगे तो टोटल ATP कितने हो गए, 8, और यहाँ पर 2 चूंकि खर्च हो गए तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो होगा वो कितने ATP का होगा, 6। अब आपसे कोई पूछे कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो टोटल ATP कितने बनेंगे, तो 15 और 15 30 + 8 38, तो यहाँ पर 38 ATP तो बनते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि भैया कितने ATP कंज्यूम्ड हो गए, अगर मैं यहाँ पर कंज्यूम्ड ATP की बात करूँ तो 2 ATP यहाँ पर खर्च हो गए और नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर आप लोग बताएंगे
36 एटीपी का होगा। यहां पर अगर आप लोग देखें तो नेट प्रॉफिट जो है वो कितने का होगा, 36 एटीपी का होगा। ये चीजें हम लोग इसके अंदर बताते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने बात करता हूं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल यानी सटल सिस्टम की बात करेंगे कि भाई सटल सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज करने के बाद में हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करें, अगर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करें तो मैं यहां पर बात करूंगा सटल सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स, सटल का मतलब होता है लाने ले जाने वाला, यानी कि जो कैरियर होता है, जो कैरी करता है, वो सटल कहलाता है। तो यहां पर अगर हम लोग सटल सिस्टम की बात करें तो सटल सिस्टम के अंदर अगर आप लोग यहां पर देखें तो सटल सिस्टम जो है वो आप लोग बताएंगे कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में सटल सिस्टम नहीं पाया जाता। सटल सिस्टम जो है वो केवल ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ये केवल किसके अंदर पाया जाता है, यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। तो सटल सिस्टम जो है वो केवल किसके अंदर पाया जाता है, यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। यहां पर अगर हम लोग सटल सिस्टम की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग बताएंगे कि दो प्रकार के सटल सिस्टम है। देखिए सटल सिस्टम की बात करें तो यहां पर हम लोग दो प्रकार के सटल सिस्टम को डिस्कस करते हैं। यहां पर एक सटल सिस्टम जो आप लोग है वो बताएंगे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल। एक जो सटल सिस्टम है वो तो आपका आता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल, और दूसरा जो सटल यहां पर आता है जिसको आप लोग बोलते हैं मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम। तो देखिए दो प्रकार के सटल सिस्टम यहां पर देखने को मिलते हैं, एक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल, एक आप लोग बताएंगे मैलेट एस्पार्टेट सटल। देखिए ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल जो है वो मोस्टली एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। ज्यादातर एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल ही चलता है। मैलेट एस्पार्टेट सटल जो है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेनली जैसे किडनी के अंदर, लीवर में, और जैसे कहां पर चलता, हार्ट में। ये बॉडी के केवल कुछ सेल्स के अंदर ही चलता है। अब हम बात करते हैं कि जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल बॉडी के अधिकांश सेल्स में चलता है तो भाई ये क्या करेगा। अगर मैं यहां पर इसके बारे में बात करूं कि भाई ये सटल सिस्टम जो है वो क्या करेगा, हम इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल की बात करें। अगर हम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल की बात करें तो हम लोग सब जानते हैं कि सब ग्लूकोज से क्या बना, पाइरूविक एसिड के यहां पर 2 मॉलिक्यूल बने। इसमें कितने कार्बन, 3 कार्बन, और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है उसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन। यदि हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर हमने देखा कि 2NAD आयन से यहां पर 2NADH प्लस 2H आयन का फॉर्मेशन हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से 4 हाइड्रोजन आयन, यहां से 4 हाइड्रोजन आयन जो कहां पर जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये जो 2NADH है ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं कर सकता,
माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जिसके अंदर कार्डियोलिपिन बहुतायत रूप से पाया जाता है। कार्डियोलिपिन की उपस्थिति के कारण एनएडीएच जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब इसके जो हाइड्रोजन आयन है उनको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजने के लिए हमें यहां पर एक सटल सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, और वो जो सटल सिस्टम है उस सटल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट सटल। ये जो ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट सटल है ये यहां से यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो एनएडीएच, क्योंकि आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस कहां पर चलता है, साइटोप्लाज्म में, क्रेब्स साइकिल कहां चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो अब ये चार हाइड्रोजन आयन को मैट्रिक्स में लेकर जाना है, और ईटीएस कहां चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर, तो इन चार हाइड्रोजन आयन को अंदर ले जाने के लिए ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट सटल काम आता है। ये ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट सटल इन चार हाइड्रोजन जो आयन है, इन चार हाइड्रोजन आयन को यदि मैं यहां पर बात करूं तो ये चार हाइड्रोजन आयन अंदर आएंगे किसके द्वारा, ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट सटल। अब ये चार हाइड्रोजन को रिसीव तो किसको करना चाहिए था, एनएडीआईएन को, लेकिन इनको रिसीव कौन करता है मित्रों, इनको रिसीव कर लेता है यहां पर 2-FAD आयन। और अब चूंकि आना किसके पास, हमने क्या सोचा था कि NADH से 6 ATP बनेंगे, लेकिन ये चार हाइड्रोजन आयन किसने ले लिए, 2-FAD ने ले लिए, और यहाँ पर 2-FAD जो है वो यहाँ पर क्या बना देता है, 2-FADH2 बना देता है। और ये 2-FADH2 जब ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर एंटर करेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलेगा, तो भैया CLP के अंदर 6 ATP के स्थान पर कितने ATP बनेंगे, 4 ATP बनेंगे। हमारे यहां पर कितने ATP कम हो गए, 2 ATP कम हो गए, और यही कारण है कि ग्लाइकोलाइसिस में 10 ATP के स्थान पर कितने बन गए, केवल 8, यानी कि CLP में भी आपके 4 बने और SLP के अंदर भी आपके 4 ATP बने, और चूंकि 2 ATP खर्च हो जाते हैं तो यहां पर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो नेट लाभ बनेगा वो कितने ATP का बनेगा, 6 ATP का बनेगा। और सपोज कीजिए अगर ग्लिसरोल 3-फॉस्फेट सटल सिस्टम के स्थान पर यदि यहां पर अगर मैं बात करूं कि साहब मैलेट एस्पार्टेट सटल है, कौन सा सटल है, यहां पर अगर मैं बात करूं कौन सा सटल है, मैलेट एस्पार्टेट सटल है, कौन सा सटल बताया साहब मैंने यहां पर, कौन सा सटल है, मैलेट एस्पार्टेट सटल है। अगर सपोज कीजिए कि यहां पर अगर मैं बात करूं कि कौन सा सिस्टम है, यहां पर आपका मैलेट एस्पार्टेट सटल है, अगर यहां पर आपका मैलेट एस्पार्टेट सटल है तो बहुत सिंपल सी बात है, इन चार हाइड्रोजन आयन को अंदर लाने के लिए कौन सा सटल काम आएगा, मैलेट एस्पार्टेट सटल काम आएगा। मैलेट एस्पार्टेट सटल ये चार हाइड्रोजन ले जाकर और ये किसको देगा, 2-NAD आयन को देगा, और चूंकि 2-NAD आयन को देगा तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहां पर भाई जब ये आपका CLP चलेगा तो यहाँ पर 2 जो 2-NAD आयन को देगा तो 2-NADH बनेंगे, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या बनेंगे, 2-NADH बनेंगे प्लस 2H आयन बनेगा। तो ये 2-NAD आयन जब आपके ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एंटर करेंगे, जब CLP चलेगा तो यहाँ पर 6 ATP बनेंगे। तो इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस के अंदर यहाँ पर यदि मैलेट एस्पार्टेट सटल प्रेजेंट है तो 6 ATP बनेंगे, और अगर ग्लिसरोल 3 सटल है तो यहां पर कितने ATP बनेंगे, CLP में 4। CLP का फुल फॉर्म मैं पहले मेरे वाले वीडियो लेक्चर्स में दे चुका हूं, चैन लेवल फॉस्फोराइलेशन। SLP का मतलब है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो फ्रेंड्स आज मैंने आप लोगों के साथ में सटल और क्रेब्स साइकिल के एनर्जेटिक्स को डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बात करूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।